नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा गुप्ता केजीएस किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जो हैं मटर की एक रेसिपी लेके आए हैं जो बिल्कुल हल्दीराम स्टाइल है। खस्ता और फ्लैकी मटर के पफ पम की रेसिपी है और आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल फ्लैकी से लेयर्ड वाले हमारे मटर के पफ पम बन के तैयार हुए हैं। साथ में एक बोनस रेसिपी है जो कि हम एक नमकीन की तरह बनाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरी वीडियो के अंदर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छी रेसिपी जो है आपको मिलने वाली है। यहाँ पर 1.5 कप मैंने मटर लिए हैं, ताजे मटर हैं। आप चाहे तो फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सीजन मटर का है तो ताजे मटर का इस्तेमाल कीजिएगा मेरी सलाह मानकर। साथ में हरी मिर्ची ली है हमने 5-7, लहसुन की कलियाँ ली हैं और अदरक का टुकड़ा लिया है। इनको धोकर अच्छे से साफ़ कर देना है और एक मिक्सी के जार में डालकर इनको दरदरा सा पीस देना है। अगर आप हरी मिर्ची कम खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं तो उसे भी स्किप कर सकते हैं, तो ये सब आपके पसंद के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो है हमने दरदरा सा पीस दिया है पेस्ट को मटर के, तो यहाँ पर हम इसको एक तरफ रख देंगे और अब इसके पेस्ट को हम आगे काम में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन रखा है, 4 से 5 चम्मच जितना हमने इसके अंदर तेल डाला है। साथ में तेल गर्म हो जाएगा, अब जीरा और हींग डालेंगे और जीरा और हींग का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है मटर के पेस्ट के अंदर। और अब हम इसके अंदर 2 चम्मच जो है बेसन डाल देंगे। बेसन हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे, बेसन की जगह उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 उबले आलू को मसल के डाल सकते हैं इसके अंदर। और अब जो है मटर का पेस्ट हमने बनाया था वो डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर हमें इसके अंदर डाल देना है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्ची के पाउडर को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको पेस्ट को बिल्कुल हरा ही रखना है तो। साथ में हम इसके अंदर जो है धनिया का पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच जितना गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला जो है बहुत ही अच्छा स्वाद देता है और इससे जो है मटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा खुल के आएगा, तो गरम मसाला ज़रूर डालिएगा। साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालेंगे। तो मसाले जो आपके मसाले बॉक्स में रहते हैं वही डाले हैं हमने, कुछ स्पेशल मसाले नहीं डाले हैं। अब जो है हम इसके अंदर जीरे का पाउडर डालेंगे और जो है कुटी हुई सौंफ डालेंगे। कुटी हुई सौंफ का स्वाद भी मटर के पेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छा आता है, तो ये जो हम कचौरी या फिर कुछ भी बनाते हैं तो कुटी हुई सौंफ हमें ज़रूर डालनी चाहिए। और जो है 1 चम्मच हमने तीखी चटनी डाली है। ये तीखी चटनी जो है हरी मिर्ची, धनिया और पुदीना और साथ में थोड़ा सा आम का टुकड़ा जो है उसको पेस्ट करके बना के डाली है तीखी चटनी। आपके ऊपर है आप इसे डालें और नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद आपने देखा होगा कि हमने नींबू का सर डाला है खटाई के लिए। बड़े से दाने हैं उसके, थोड़े से अलग दिखते हैं। अगर नींबू का सर नहीं है, जिसे नींबू की टार्टरी भी बोलते हैं या फिर नींबू के फूल भी बोलते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिएगा और इसकी जगह आप अमचूर का पाउडर या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब जो है हम इसके अंदर नींबू का सर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद जो है हम कटा हुआ धनिया इसके अंदर डालेंगे। और कटा हुआ धनिया डालने के बाद हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, यानी शक्कर डाल देंगे। शक्कर को भी हम अच्छे से मिला देंगे। शक्कर डालने से क्या होगा कि ये बैलेंस कर देगी तीखेपन को और खट्टेपन को। तो यहाँ पर जो है हमें थोड़ी सी चीनी डालनी है, बहुत सारी नहीं डालनी है। मसाला रेडी हो गया है। अब जो है हम एक पेस्ट बनाने वाले हैं, तो 4 से 5 चम्मच जितना हमने कॉर्नफ्लोर लिया है या फिर आप अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो है हम 4 से 5 चम्मच जितना घी डालेंगे। इससे जो है हमारे पफ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप फिर कॉर्नफ्लोर की जगह मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से जो है बाइंडिंग अच्छी आती है और साथ में ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 चम्मच हमने घी डाला है। घी की जगह आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी इसलिए डाला है क्योंकि हमारा जो ये पफ है वो खस्ता बनेंगे और साथ में खिले खिले बनेंगे, इसलिए हमने घी डाला है। तो घी की मात्रा आप अपने कॉर्नफ्लोर के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, 4 से 5 चम्मच जितना डाल सकते हैं, लेकिन हमें पेस्ट जैसा बनाना है तो इसलिए घी की मात्रा आप अपने हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पर जो है हमने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को हमने पहले छान दिया था और छानने के बाद हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद में हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा अजवाइन को मसल के डालेंगे। अजवाइन डालना ऑप्शनल है, लेकिन मैदे के जब कोई भी ऐसी रेसिपी बनाते हैं खस्ता, तो यहाँ पर हम अजवाइन डालते हैं ताकि पेट वगैरह में दर्द नहीं हो। तो यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा अजवाइन डाला है और इसके बाद हम इसके अंदर तेल डालेंगे। तेल की जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आपके पफ और भी अच्छे से खस्ता बनेंगे, या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मेल्टेड बटर का। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, तेल या घी जो भी आपने डाला है। और उसको डालने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका मीडियम सॉफ्ट जो है आटा गूंदना है। और ये जो पफ हैं बहुत ही खिले खिले बनते हैं और हम इनको बेक नहीं करने वाले हैं, इनको फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इनको बेक भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका मीडियम सॉफ्ट जो है आटा गूंदना है। आप देख सकते हैं हमने 1/4 कप पानी लिया था, लेकिन हमने पूरा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और 1 कप जितना ही मैदा लिया है। अब जो है आटा गूंदने के बाद 1 चम्मच तेल डाल के इसको एक बार अच्छे से नीड करके एक तरफ रख देंगे। इसके अंदर जो है हमें कोई सोडा या फिर बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। बहुत ही खस्ता हमारे बिना ओवन के ही और बिना सोडे के ही बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगे। अब ये जो है आटे को हमने 10 मिनट रेस्ट करने दिया था, तो अब 10 मिनट हो गए हैं और हमारा जो मैदा है वो उसने आराम कर लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से नीड कर देंगे हथेलियों से मसल के, और जो है हम इसके गोले बनाएंगे। तो यहाँ पर चाकू की मदद से हमने इसके 5-7 जो है रोटी बनाने के लिए इसके गोले तैयार कर दिए हैं। चाकू की मदद से हम इसको काट देंगे और थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाते हुए हमें इसे बेलना है। बेलने के लिए हमें इसे एकदम पतला बेलना है, जितना पतला आप इसे बेल सकते हैं उतना पतला इसे बेलना है, और थोड़ा थोड़ा सूखा आटा बीच में लगाते रहिएगा। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे बेल सकते हैं या फिर जो चकला होता है उस पर रख के इसको बेल सकते हैं, और पतला रोटी हमें इसको बेलनी है। हमें इस तरह की जितने भी हम आटा बनाएंगे उतनी रोटी बेलनी है। तो हमने 5-7 गोले बनाए हैं, तो 5-7 रोटी हम इसकी बेलेंगे। तो इस तरीके से हमें सारी जो है रोटियां बेलनी है और इसको हमें एक तरफ रखते हुए जाना है। साथ में इन रोटियों को जो है हम एक कपड़े से ढकते हुए जाएंगे ताकि सूखी नहीं हो जाए, और सूखा आटा हुआ आटा जो है लगाते हुए हमें सारी रोटियां इस तरीके से पतली बेल देनी है। अगर आपने अजवाइन ज़्यादा डाला तो ये बीच में से फट सकता है, तो अजवाइन की मात्रा अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कम कर सकते हैं, या फिर इसे हाथों से अच्छे से मसल के डालिएगा ताकि जो है रोटी बेलते वक्त ये बीच में नहीं अड़े और ये फटे नहीं। तो यहाँ पर हमने सारी जो रोटियाँ हैं बेल दी है, और आप इनकी साइज़ देख सकते हैं एकदम पतली है। हमें जो है हमारा हाथ भी दूसरी साइड से नज़र आए वैसी पतली बेलनी है। तो जितनी रोटियाँ बेलेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ही फ्लैकी बनेगा। यहाँ पर जो है हमने वो पेस्ट बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और सारी रोटियां एक के ऊपर एक रखते हुए जाएंगे। जब पेस्ट लगाएंगे तब हमें थोड़ा सा सूखा मैदा भी बुरक देना है इसके ऊपर ताकि अच्छे से चिपक जाए और एकदम फ्लैकी फ्लैकी जो है हमारे पफ बन के तैयार होएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर हमने 5 से 7 जितनी भी रोटियां बनाई थी सबके बीच में हम पेस्ट लगाएंगे और सबके बीच में सूखा मैदा लगाते हुए सारी हमें रोटियां एक दूसरे से चिपका देनी है। तो जितनी आप ज़्यादा बनाएंगे लेयर्स उतनी अच्छी बनेगी आपकी जो पफ पेस्ट्री जो भी बनाने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी बनेगी मटर की। और मसाला जो हमने तैयार करके रख ही दिया है, सारी रोटियां हमने एक के ऊपर एक रख दी है। अब हम इनको एकदम कस के टाइट इनको जो है रोल कर देंगे, और रोल करने के बाद इनको अच्छे से लंबा कर देंगे, और लंबा करने के बाद अब इनको हमें कट कर देना है। आगे का भाग आप देख सकते हैं हमें ऐसे ही काट देना है, और जो क्योंकि आगे के भाग में हमें लेयर्स नहीं दिखेगी, और जो बाद का भाग है हमें इस तरीके से काटना है चाकू को चलाते हुए ताकि इसकी लेयर्स जो है अच्छी सी खिली खिली बने और एकदम लेयर्स जो है वो ख़राब नहीं हो। तो सारी जो हमने इसके गोले बना दिए हैं अब हम इन्हें हाथों से इस तरीके से फटाफट दबा देना है, और दबाने के बाद हम इनको बेल देंगे। तो सारे गोले जो हैं हमने बना दिए हैं पफ के, और ये सारे गोलों को हाथों से हमने ऐसे दबा दिया है, और उसके बाद हम इनको एक बार रोटी की तरह वापस बेल देंगे। तो इनको ज़्यादा लंबा नहीं बेलना है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर उतना ही लंबा बेलना है, और चाकू की मदद से हम इनको चारों तरफ से कट देंगे। डिज़ाइन आप अपनी पसंद से कैसी भी बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में काटा है, आप चाहें तो ट्रायंगल भी बना सकते हैं। इनकी साइज़ के हिसाब से इनके अंदर हमें मसाला भर देना है। तो यहाँ पर 1 चम्मच जितना मैंने मसाला भरा है, और चारों तरफ से पेस्ट को जो हमने बनाया था वो लगा कर या फिर पानी की मदद से इनको सील कर देना है, और उसके बाद हमने फॉक की मदद से इनको अच्छे से पैक कर दिया है। इनके ऊपर जो है इनको सील करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने इनको अच्छे से सील नहीं किया तो ये फ्राई करते वक्त फट सकते हैं या फिर खुल जाएंगे, तो फिर सारा मसाला जो है तेल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्क की मदद से मैंने इनको वापस अच्छे से सील कर दिया है, और आप देख सकते हैं सारी हमारी पफ पेस्ट्री बन के तैयार हो गई है। किसी भी पसंद की किसी भी डिज़ाइन की आप बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इनको स्क्वायर शेप में ही बनाएं। और मीडियम हॉट ऑयल के अंदर हमें इन्हें धीमी आंच पर फ्राई करना है, एकदम तेज आंच पर इनको फ्राई नहीं करना है। कोई भी खस्ता चीज़ जब आपको चाहिए होती है करारी, तो आप उनको धीमी आंच पर ही फ्राई कीजिए, कभी भी इनको तेज आंच पर फ्राई नहीं कीजिए, नहीं तो ये एकदम से गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमें धीमी आंच पर पलटते हुए इनको फ्राई करना है, और आप देखेंगे जैसे जैसे इनको फ्राई करते जाएंगे ये एकदम इनकी परतें जो है एकदम खुलती जाएंगी। तो यहाँ पर जो है हमारे हल्दीराम स्टाइल मटर के पफ बन के तैयार हो गए हैं,
और अगर आप चाहें तो इनको बेक कर सकते हैं 180 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 20 मिनट के लिए। आपको इनको गोल्डन होने तक बेक करना है, लेकिन जैसे इनको फ्राई करते हैं तो ये ऑयली बनते हैं, और इनको बेक करेंगे तो ये बिना ऑयल के बनेंगे, लेकिन खाने में दोनों ही बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पफ पेस्ट्री की रेसिपी बन के तैयार हो गई है। साथ में यहाँ पर बोनस रेसिपी ये है कि जो बचे हुए आटा था हमने उसको इस तरीके से, जो हमने लंबा लंबा काटा था ना, उनको इस तरीके से फ्राई कर देंगे, तो ये हमारे जो है मैदे के एकदम नमकीन, खस्ता नमकीन भी बन के तैयार हो गए हैं, क्योंकि वो बचा हुआ आटा जो है वो पफ पेस्ट्री बनाने में काम नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने इनको ऐसे फ्राई कर दिया है। तो ये दोनों रेसिपी आप बनाइए और घर पे, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये पफ पेस्ट्री की रेसिपी आपको कैसी लगी। और आप देख सकते हैं ये नमकीन भी एकदम फ्लैकी से बन के तैयार हुए हैं, खस्ता एकदम लेयर वाले, इनको भी आप चाय के साथ में सर्व कीजिए। तो बताइए हल्दीराम स्टाइल पफ पम्प की रेसिपी कैसी लगी आपको। मेरा गला ख़राब है तो आपको आवाज़ एकदम साफ नहीं आई होगी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।